वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली यूरोप। इसके पहले और दूसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ दो वीडियोस में। ये तीसरा पार्ट मैं आपके साथ तीसरे वीडियो में शेयर कर रही हूँ बेटा। प्लेलिस्ट आपके सामने ही है, इसमें भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन ही लिए हैं बेटे। तो पहला प्रश्न जो आपके लिए लिया है वो है, दांते की डिवाइन कॉमेडी से लेकर शेक्सपियर के सोनेट और नाटकों तक काव्य रूपों और संरचनाओं के विकास का पता लगाएं। प्रत्येक लेखक की व्यक्तिगत शैली और सफल साहित्यिक परंपराओं पर उसके प्रभाव का प्रकाश डालें। तो बेटा यहाँ पर हम राइटर्स की तरफ आ गए हैं। अब धीरे धीरे इस पार्ट में जो वहाँ का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम यूरोप की, तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या किया था, हमने साइंटिस्ट की बात की, उसके बाद वहाँ के फिलोसफर्स की बात की, उसके बाद जो थिंकर्स थे उनकी बात हुई, उसके बाद अब राइटर्स की बात आ गई है इस पार्ट में। तो राइटर्स में हम बात करेंगे दांते से लेकर के शेक्सपियर तक। प्रश्न मैंने पढ़ दिया है आपके लिए, इसका आंसर बनेगा, दांते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर के सोनेट और नाटकों ने साहित्यिक परंपराओं और काव्य रूपों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो शेक्सपियर जो थे छोटी कविताएं लिखा करते थे बेटा, जिन्हें सोनेट कहा जाता था, साथ में प्लेस दिखा करते थे वो। और दांते जो थे उनकी डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस रही उस टाइम पर, तो इन्होंने काफी ज्यादा वहां पर काव्य रूपों के विकास में, साहित्यिक परंपराओं के विकास में काफी योगदान दिया। तो इन दोनों लेखकों की व्यक्तिगत शैली और उनके प्रभावों का अन्वेषण करना एक समृद्ध साहित्यिक यात्रा है। तो चलिए कैसे करते हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। दांते अलिगियरी और डिवाइन कॉमेडी, दांते अलिगियरी की डिवाइन कॉमेडी का थोड़ा सा यहाँ पर आपको सारांश दिया गया है कि ये दांते द्वारा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई है, महाकाव्य है, वहाँ के एपिक पोम है बेटा। ये तीन भागों में बटी हुई है, इन्फर्नो, पुर्गाटोरियो और पैराडाइज। तो महाकाव्य, जो महाकाव्य है, इसमें दांते अपने मार्गदर्शक वर्जिल के साथ नर्क यानी कि इन्फर्नो से होते हुए स्वर्ग यानी कि पैराडाइज तक की यात्रा करते हैं, और ये यात्रा आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं का प्रतीक है। ये पूरा का पूरा उसका एक सारांश है पूरी उनकी डिवाइन कॉमेडी का। तो काव्य रूप और संरचना डिवाइन कॉमेडी जो है तीन लाइनों के समूह यानी कि टर्जा राइमा में लिखी, यानी कि हर एक में एक तरह से तीन तीन लाइन होती है और हर लाइन में 11 अक्षर होती है। इसको हैंडेकासी लेबल्स कहा जाता है उनके यहाँ। तो ये संरचना जटिल और व्यवस्थित है जिससे काव्य को एक अद्वितीय लय और स्वरूप मिलता है। जैसे हमारे यहाँ बेटा छंद रचे जाते हैं अलग अलग मात्राओं के, उसी तरीके से वहाँ पर इंग्लिश में इनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो है एक काउंटिंग की गई है ना बेटा। तो दांते की व्यक्तिगत शैली क्या है, दांते की शैली समृद्ध, प्रतीकात्मक और दार्शनिक, मतलब वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का व्यापक उपयोग किया। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, संदर्भ जो लिए हैं वो रिलीजियस लिए, पॉलिटिकल लिए, हिस्टोरिकल लिए। उनकी भाषा और शैली ने इतालवी साहित्य को एक नई दिशा दी, मतलब इटालियन लिटरेचर को एक नया डायरेक्शन दिया इनकी भाषा ने, इनके राइटिंग स्टाइल ने, और इतालवी भाषा को साहित्यिक रूप में स्थापित किया, मतलब एक ऐसे लिटरेचर की लैंग्वेज के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया, इटालिक लैंग्वेज को। आगे कहते हैं, सफल साहित्यिक परंपराओं पर प्रभाव क्या पड़ा, दांते की डिवाइन कॉमेडी ने इतालवी साहित्य और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने साहित्य में धार्मिक और नैतिक विचारों को प्रमुखता दी। उनके काव्य ने बाद के महाकाव्यों और काव्यकारों को प्रेरित किया, जिसमें जियोवानी बोकाची और पेट्रॉक शामिल हैं। डिवाइन कॉमेडी की संरचना और विषय वस्तु ने यूरोपीय साहित्य की परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि कुल मिलाकर के दांते जो है इनका इटली के लिटरेचर पर, वहां की लैंग्वेज पर काफी असर पड़ा। इन्होंने वहां के लिटरेचर में रिलीजियस और मोरल थॉट्स को काफी प्रमुखता दी। इनके काव्य ने बाद में जो वहां पर महाकाव्य रचे गए और जो बाद में काव्य रचने वाले जो लोग थे उनको काफी इंस्पायर किया। इनसे इंस्पायर्ड लोगों में से जियोवानी बोकाचियो और पेट्रॉक को मेनली माना जाता है, ये लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। और डिवाइन कॉमेडी की जो संरचना और विषय वस्तु, तो इसका जो स्ट्रक्चर है और जो इसका कंटेंट है वो यूरोपियन लिटरेचर की परंपराओं को एनरिचमेंट देता है, उनको और समृद्ध बनाता है। आगे है विलियम शेक्सपियर और उनके सोनेट और नाटक, इनकी बात करें तो शेक्सपियर के सोनेट का सारांश, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे जो कि 1609 में प्रकाशित हुए थे, 154 सोनेट पब्लिश इन 1609। तो उनके सोनेट प्रेम, सौंदर्य, समय और मृत्यु जैसे विषयों पर आधारित थे, उन पर केंद्रित थे।
तो सोनेट की संरचना जो होती है वो 14 पंक्तियों की होती है, जैसे वहां 3 लाइन की थी और 11 11 लेटर थी हर लाइन में, ऐसे ही सोनेट जो होती है वो 14 पंक्तियों की छोटी कविता होती है जिसमें 3 चतुर्थक होते हैं, 3 क्वाटरेंस होते हैं और 1 समापन युगल होता है। मतलब 3 तो 4 4 लाइनों के छंद होते हैं और चौथा 2 लाइनों की कपलेट होती है, तो इसको सोनेट कहते हैं। उनकी जो है शेक्सपियर की सोनेट है। इनके नाटकों का सारांश देखा जाए तो शेक्सपियर ने कुल 39 नाटक लिखे जिनमें त्रासदी कॉमेडी ऐतिहासिक नाटकों में विभाजित किया जा सकता है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, मिड समर नाइट ड्रीम्स वगैरह शामिल हैं। इनके काव्य रूपों की और संरचना की बात की जाए तो शेक्सपियर के सोनेट अंग्रेजी सोनेट के रूप में जाने जाते हैं जिनकी संरचना ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी होती है, यानी कि जो राइमिंग होती है पहली लाइन की 3rd लाइन के साथ दूसरी लाइन की 4th लाइन के साथ मिलती है, 5वीं लाइन की 7वीं लाइन के साथ और 6ठी लाइन की राइम 8वीं लाइन के साथ मिलती है। इसी तरीके से 9वीं लाइन की जो राइम मिलती है वो 11वीं लाइन के साथ और 10वीं लाइन की 12वीं लाइन के साथ मिलती है और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वो आपस में राइमिंग होती है। इनके नाटकों में ब्लैंक वर्ड्स यानी कि अमात्रिक पंचक का व्यापक प्रयोग होता है जिसमें अनराइम्ड आयम्बिक पैरामीटर्स इनके अनराइम्ड आयम्बिक जो है पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है। शेक्सपियर की पर्सनल शैली कैसी है? शेक्सपियर की शैली बहुआयामी और लचीली है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है और साथ में बहुत फ्लेक्सिबल है। उनके नाटकों में चरित्र विकास, संवाद की गहराई, कथानक की जटिलता उनकी विशेषताएं होती हैं। इनकी भाषा समृद्ध होती है, प्रतीकात्मक होती है यानी कि सिंबॉलिक होती है, शाब्दिक खेल है मतलब वर्ड प्ले करते हैं ये, इन चीज़ों से भरी हुई इनकी भाषा होती है। इन्होंने अपने लेखन में नए शब्दों और वाक्यांशों का यानी फ्रेजेस का सृजन किया है। तो सफल साहित्यिक परंपराओं का इन पर क्या प्रभाव, इनका क्या प्रभाव पड़ा शेक्सपियर का? शेक्सपियर के सोनेट और नाटक अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में गिने जाते हैं। आप कभी भी इंग्लिश राइटर्स की बात करते हैं सबसे पहले नाम शेक्सपियर का ही आता है। उन्होंने नाटक और कविता की परंपराओं को पुनः परिभाषित किया। उनके नाटकों ने पश्चिमी थिएटर को गहराई से प्रभावित किया और आज भी उन्हें विश्व भर में प्रदर्शित किया जाता है। शेक्सपियर की भाषा और शैली ने कई लेखकों और कवियों को प्रेरित किया जिनमें जॉन मिल्टन, सैमुअल टेलर कॉलरिज और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे डांटे की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर के सोनेट और नाटक साहित्यिक काव्य रूपों और संरचनाओं के विकास में मील के पत्थर हैं। डांटे की प्रतीकात्मक और दार्शनिक शैली ने इतालवी साहित्य और भाषा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया जबकि शेक्सपियर की बहुआयामी और लचीली शैली ने अंग्रेजी साहित्य और थिएटर की परंपराओं को पुनः परिभाषित किया। दोनों लेखकों के योगदानों ने साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है वो है डांटे की डिवाइन कॉमेडी के विषयों और प्रतीकों की तुलना शेक्सपियर की त्रासदियों के विषयों और प्रतीकों से करें। ठीक है, दोनों को आप हमें कंपेयर करना है। जाँच करें कि इन लेखकों ने मानव स्थिति के अपने अध्ययन को संप्रेषित करने के लिए रूपक, कल्पना और कथा रणनीतियों का उपयोग कैसे किया, ये अपना प्रश्न बनेगा। इसको हम करेंगे बेटा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो बेटा एक बार थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। दांते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर की त्रासदियों के विषयों और प्रतीकों की तुलना करनी है हमें इस आंसर में। तो दोनों लेखकों के साहित्यिक दृष्टिकोण और मानव स्थिति के उनके अध्ययन को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। तो दोनों लेखकों के रूपक, कल्पना और कथा रणनीतियों का प्रभावी उपयोग किया है दोनों ने ही, लेकिन उनकी शैली और उद्देश्य में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। तो देखिए उनकी तुलना करते हैं। दांते की डिवाइन कॉमेडी है, उसका मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिक यात्रा। डिवाइन कॉमेडी एक आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है जिसमें दांते अपने मार्गदर्शक वर्जिल के साथ नर्क, पुर्गाटोरी और स्वर्ग यात्रा करते हैं। ये यात्रा आत्म खोज और मोक्ष का प्रतीक है। अब पाप और मोक्ष क्या है? मुख्य विषयों में पाप की प्रकृति, पश्चाताप और मोक्ष शामिल है। हर स्तर पर पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। दिव्य न्याय क्या है? काव्य का मुख्य संदेश है कि ईश्वर का न्याय अनिवार्य है और निष्पक्ष होगा, मतलब ईश्वर का न्याय होगा और बिल्कुल निष्पक्ष होगा। आगे है प्रतीक और रूपक। तो नरक यानी कि इन्फर्नो पाप और दंड का प्रतीक है जहां पापियों को उनके पापों के अनुसार सजा मिलती है। वहीं पोटागोरियो ये आत्मा की शुद्धिकरण और पश्चाताप का प्रतीक है और स्वर्ग यानी कि पैराडाइजो दिव्य प्रेम और मोक्ष का प्रतीक है। तो 3 गाइड हैं वर्जिल, बीट्रिस और सेंट बर्नार्ड। वर्जिल कौन है? तर्क और मानव विवेक, ब्रिटिश है दिव्य प्रेम और सेंट बर्नार्ड है विश्वास। ये तीनों के तीनों जो है इनके प्रतीक हैं, इनके जो गाइड हैं, इन्होंने एक तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में इनको इस्तेमाल किया है। आगे है कथा रणनीतियां और कल्पना। दांते ने विस्तृत और प्रतीकात्मक कल्पना का इस्तेमाल किया जिसमें हर विवरण का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है।
काव्य की संरचना और भाषा में संगीतात्मकता और लय है, जिससे पाठक एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करता है। दांते ने ऐतिहासिक और समकालीन पात्रों का प्रयोग किया, मतलब उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स लिए और कुछ समकालीन कैरेक्टर लिए, जैसे कि हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद जी करते हैं कि हिस्टोरिकल घटनाओं में जाते हैं और कुछ काल्पनिक पात्रों को ले लेते हैं, जिससे काव्य को अधिक जीवंत और वास्तविकता का अनुभव मिलता है। आगे है इसके बाद हम, ये हो गई बात दांते की, आगे बात करेंगे शेक्सपियर की त्रासदियों की। इनके मुख्य विषय क्या होते हैं? मानव स्वभाव और कमजोरी। शेक्सपियर की त्रासदियाँ मानव स्वभाव की कमजोरियों जैसे कि महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, प्रेम और विश्वासघात पर केंद्रित होती हैं। उदाहरण के लिए मैकबेथ में महत्वाकांक्षा है, ओथेलो में ईर्ष्या है और किंग लियर में विश्वासघात प्रमुख है, जिन्हें वो सिंबॉलिक वे में यूज करते हैं। आगे है न्याय और नैतिकता। त्रासदियों में अक्सर न्याय और नैतिकता के मुद्दे उठाए जाते हैं, पात्रों के गलत निर्णय और उनके परिणाम दिखाए जाते हैं। और है दुख और मृत्यु। त्रासदी में दुख, पीड़ा और मृत्यु का गहरा चित्रण होता है, पात्रों की त्रासदी पूर्ण मृत्यु और उनके जीवन की नाटकीय घटनाएं केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। तो ये था शेक्सपियर का कंटेंट। अब प्रतीक और रूपक कैसे इस्तेमाल करते हैं वो, अंधकार और प्रकाश। मैकबेथ में अंधकार और प्रकाश का प्रतीकात्मक इस्तेमाल, यानी सिंबॉलिक यूज जो है वो महत्वाकांक्षा और अपराध को दर्शाने के लिए किया गया है। वहीं प्रकृति और विकार। किंग लियर में प्रकृति और मौसम के प्रतीक का उपयोग विकार और पागलपन को दर्शाने के लिए किया गया है। वहीं आईना और छाया। हेमलेट में आईना और छाया का इस्तेमाल, मतलब मिरर और इमेज का जो इस्तेमाल किया है वो किया है आत्मचिंतन और धोखे को दर्शाने के लिए किया है। आगे है कथा रणनीतियां और कल्पना। शेक्सपियर ने गहन चरित्र विकास और जटिल कथानक संरचनाओं का उपयोग किया। उनके पात्र वास्तविक और मानवीय कमजोरियों से युक्त होते हैं, उनको मतलब वो हीरोइक फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं उनके साथ वो अपने पात्रों को लेकर के आते हैं। संवादों में गहराई और जटिलता होती है, जिससे पात्रों के मनोविज्ञान और भावनात्मक स्थिति का स्पष्ट चित्रण होता है। उससे जो करेक्टर है उनकी साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है, साथ में उनके मेंटल स्टेट के बारे में, उनकी इमोशनल स्टेट के बारे में पता चलता है। नाटकों में प्रतीकात्मक दृश्यों और वस्तुओं का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है, जैसे मैकबेथ में खून और हेमलेट में खोपड़ी। अब दोनों की तुलना की जाए और निष्कर्ष निकाला जाए तो दांते और शेक्सपियर के विषय, दांते का मुख्य फोकस आध्यात्मिक यात्रा और मोक्ष पर है, जबकि शेक्सपियर ने मानव स्वभाव और सामाजिक नैतिकता की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी बात, दांते के विषय अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक है, जबकि शेक्सपियर के विषय अधिक सांसारिक और मानवीय कमजोरियों पर आधारित है। आगे इनकी तुलना करें तो प्रतीकों का इस्तेमाल, दांते के प्रतीक धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थों से भरे होते हैं, जैसे कि नर्क, पुटागोरी, स्वर्ग, और शेक्सपियर के प्रतीक जो है वो मानव स्वभाव और सामाजिक स्थितियों को दर्शाने के लिए होते हैं, जैसे कि अंधकार, प्रकाश, प्रकृति। आगे कथा रणनीति की बात करें तो दांते की कथा शैली ज्यादा कवितामय है, प्रतीकात्मक है, जिसमें विस्तृत रूपक और प्रतीकात्मकता का व्यापक इस्तेमाल उन्होंने किया है, जबकि शेक्सपियर की कथा शैली जो है वो ज्यादातर संवादात्मक है, जिनके संवादों में है और नाटकीय है, जिसमें गहन चरित्र विकास और जटिल कथानक। तो दोनों लेखकों ने अपनी अपनी शैली में मानव स्थिति का गहरा अध्ययन किया और अपने समय की साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध किया। दांते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर की त्रासदियां आज भी साहित्यिक उत्कृष्टता के उदाहरण मानी जाते हैं, तो एक्सेलेंसी का एग्जाम्पल मानी जाती है, और उनके विषय और प्रतीक आज भी पाठकों और विद्वानों को प्रभावित करती है। ये था आपका प्रश्न का उत्तर बेटा। अगला प्रश्न आ जाता है, दांते और शेक्सपियर के कार्यों में दिखाई देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की जांच करें, चर्चा करें कि कैसे उनका लेखन उनके समय की राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं और इन तत्वों ने उनकी रचनात्मक उपलब्धियों को कैसे प्रभावित किया। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया इस बार बेटा। तो दांते और शेक्सपियर दोनों ही अपने काव्य में उन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को दिखाते हैं जो उनके समय के राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक वातावरण से उत्पन्न होते हैं। तो दांते के क्या प्रभाव आते हैं? दांते का धार्मिक प्रभाव आता है। दांते के काव्य में हिंदू और इस्लामिक धार्मिक तत्वों का संगम है। उनकी यात्रा आत्मसंशोधन और मोक्ष की ओर है, जो हिंदू और बौद्ध धारणाओं से प्रभावित लगती है। सामाजिक प्रभाव, उनकी कविता में समाज के विभिन्न पक्षों का चित्रण है, जैसे न्याय, अन्याय, सामाजिक संकट। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो दांते की कविता में राजनीतिक संदेहों का समावेश है, जैसे कि उनके विचार राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। ये हो गए दांते के प्रभाव। इसके बाद शेक्सपियर के प्रभाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव, उनके नाटकों में समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और लोगों के चरित्र का गहरा चित्रण है। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो शेक्सपियर के काव्य में धार्मिक तत्वों का उल्लेख है, जैसे कि कर्म, धर्म, परमात्मा के प्रति विश्वास। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो उनकी नाटकीय नाटकों में राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है, जो उनके समय के इतिहास और समाज को दर्शाते हैं। तो इन तत्वों ने उनकी रचनात्मक उपलब्धियों को गहराई और विविधता से प्रभावित किया है।
उन्होंने अपने काव्य में अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठानों का परिचय दिया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को समझाने और सोचने के लिए प्रेरित किया है। बात करें शब्दावली और काव्य उपकरणों के संदर्भ में तो प्रश्न आपका अगला बन जाता है। प्रश्न है, शब्दावली और काव्य उपकरणों के संदर्भ में दांते की डिवाइन कॉमेडी की तुलना शेक्सपियर के नाटकों से करें, मतलब कि शब्दावली, उनकी वोकैबुलरी और साथ में लिटरेरी टूल्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस बात पर प्रकाश डालें कि कैसे दोनों लेखकों ने अपने कार्यों की गहराई और अर्थ को बढ़ाने के लिए भाषा, छंद, छंद और प्रतीकवाद का इस्तेमाल किया। तो दांते की डिवाइन कॉमेडी और शेक्सपियर के नाटकों की तुलना करते समय हम उनकी शब्दावली और काव्य उपकरणों के संदर्भ में दो विभिन्न दृष्टिकोण देख सकते हैं। क्या क्या है? पहला है भाषा। दांते, उनकी भाषा साधारण इतालवी भाषा थी जिसमें संस्कृत के शब्दों का विशेष उपयोग देखा गया, मतलब संस्कृत के शब्दों का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे दांते। वहीं शेक्सपियर जो है, उनकी भाषा उच्च काव्य संस्कृति का अध्ययन करती थी और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को उच्च साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया, मतलब कि दांते इटालवी में, इटालियन में लिख रहे थे और शेक्सपियर इंग्लिश में लिख रहे थे, एंशियंट इंग्लिश में लिख रहे थे। अगर छंद और छंदवाद की बात करें तो दांते उनकी कविता में तीव्रत, अनुष्टुप और उपजाति जैसे विभिन्न छंदों का इस्तेमाल किया गया। वहीं शेक्सपियर के नाटकों में अंग्रेजी के विभिन्न छंदों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि एम्बिक पेरमटामीटर, ट्रोकेटर और स्पेनस्टीरियन छंद। प्रतीकवाद की बात करें तो दांते अपने कविता में विभिन्न प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नृत्य, रंगमंच, सुंदर चित्रण। वहीं शेक्सपियर जो है अपने नाटकों में भावनात्मक और सामाजिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जो है कहकर एक तरह से स्पष्ट। तो इन संदर्भों में दांते और शेक्सपियर दोनों ही अपनी कला में अद्वितीयता और ऊर्जा का परिचय कराते हैं, जिससे उनके काव्य को अद्वितीय और समृद्ध बनाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, परीक्षण करें कि दांते और शेक्सपियर अपने कार्यों में प्रेम, भाग्य और नैतिकता को कैसे चित्रित करते हैं। चर्चा करें कि इन विषयों की उनके विभिन्न साहित्यिक कार्यों में कैसे जांच, विकास और प्रस्तुति की जाती है, साथ ही वे अपने संबंधित समय के मूल्यों और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। तो प्रश्न है इसका, इसको हम करेंगे अब थोड़ा डिटेल में बेटा। दांते, प्रेम के बारे में। दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से अलग है, वे ईश्वरीय प्रेम का उल्लेख करते हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन है। अगली बात है भाग्य की, तो उन्होंने भाग्य की अवांछितता का विचार किया, मतलब भाग्य जरूरी नहीं है, जिसमें वे जीवन की अस्थिरता और मर्यादित संसार की अव्यवस्था को दिखाते हैं। तीसरी बात है नैतिकता की, तो दांते का काव्य नैतिकता के मूल्यों की प्रशंसा करता है। उन्होंने नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आत्मसंयम, सेवा और प्रेम के महत्व को दर्शाया। शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर के राइटर्स ने राइटिंग्स में प्रेम, शेक्सपियर ने प्रेम को अपने नाटकों के विविध रूपों में दिखाया है, जैसे कि रोमांटिक प्रेम, पारिवारिक प्रेम और मित्रता। भाग्य की बात करें तो उन्होंने भाग्य के विविध आयामों को अपनी कहानियों में उतारा है, जहां वे जीवन के नाटक में भाग्य की चपेट में फंसे लोगों की कहानियों को दर्शाते हैं। अगली बात आती है नैतिकता की, तो उनके नाटकों में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। वे अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का समझावा देते हैं, समझाते हैं और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार दांते और शेक्सपियर ने अपने साहित्यिक कार्यों में प्रेम, भाग्य और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं को जांचा, विकसित और प्रस्तुत किया है, जो उनके समय के मूल्यों और मान्यताओं का अभिव्यक्तिकरण करते हैं। तो ये था बेटा आपका तीसरा पार्ट। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में से लिए आपके, इनको अच्छी तरह से कर लीजिए बेटे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल बेटे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।